अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष और आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपके पास सॉल्ड एग्जांपल ऑफ 5A। ऑलरेडी एक वीडियो बन चुकी है जिसमें आपके पास 1 to 8 एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिए, और उससे पहले भी एक वीडियो बन चुकी है जो कि आपके पास इंट्रोडक्शन का है, लिंक देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, वहां से आप लोग चेकआउट कर लीजिए। वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, इस तरीके से आपको सारी चीजें सीरियल वाइज देखनी है। सो दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर, राइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 9। तो आपके पास कुछ इस तरीके के नजारे दिखा रहा है आपके पास एग्जांपल नंबर 9। अब बात आते हैं यहाँ पे ये कि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, राइट, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं। हमें कन्वर्ट करना है इस इक्वेशन को ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में। ध्यान दीजिए, हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी तक दो कॉन्सेप्ट बताए थे आपको एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8 में। अब बात आती है यहाँ पे हम क्या ही करें, तो यहाँ पे आपके पास एक न्यू मेथड है जहाँ पे हम देखते हैं कि अगर आपके पास कुछ सेम चीजें हो तो उसको हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं किसी चीज से, किसी और वेरिएबल से, यहाँ पे एक्सेप्ट किसी और वेरिएबल से, लेट से वाई, लेट से टी, लेट से समथिंग एज जेड, राइट। तो उससे हम इसको सब्सटीट्यूट करने वाले हैं। तो एक इस वाले टर्म को बहुत अच्छे से नोटिस कीजिए और इस वाले टर्म को बहुत अच्छे से नोटिस कीजिए, है ना। इसको अगर मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ किसी और वेरिएबल से, फॉर एग्जाम्पल मैं लेट कर लेता हूँ, लेट x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इज इक्वल टू y, इफ आई लेट, है ना। आप t लेट कीजिए, z लेट कीजिए, p लेट कीजिए, q लेट कीजिए, मर्जी आपकी है, ओके। चलिए, तो यहाँ पे मैंने सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो आ जाएगा y का स्क्वायर, क्योंकि इस पूरे को मैंने y माना, तो y का स्क्वायर बीच में माइनस 5 ही रखूंगा। इस वाले को मैं y लेट कर लूंगा, ऑफकोर्स कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी, प्लस का 6 इक्वल टू मैं 0। अब देखिए आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। अब हमारा टारगेट क्या है, वैल्यू ऑफ x निकालना, बट हम क्या निकालने वाले हैं, इसको स्प्लिट करके, फैक्टराइज करके y की वैल्यू। जैसे हमें y की वैल्यू मिल जाएगा हम यहाँ पे रख देंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई, वही दो वैल्यू निकलने वाले हैं क्योंकि ये भी क्वाड्रेटिक ही है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड वीडियो नंबर 1 में सिखाया, वीडियो नंबर 2 में भी सिखाया, अब हम यहाँ पे डायरेक्टली करने वाला हूँ मैं। यह आ जाएगा वाई का स्क्वायर माइनस का, इसको अगर मैं फैक्टराइज कर देता हूँ सिंपल, तो मुझे -3 और -2 लेना पड़ेगा, तो -3y और -2y लेंगे तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसको इसको कर देंगे, y कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा y माइनस का 3, यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन ले लीजिए, ध्यान दीजिए माइनस का 2 कॉमन लीजिएगा तो बच जाएगा y माइनस का 3 इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि माइनस बाहर आ गया, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस माइनस का था तो प्लस का और ये प्लस का था माइनस का, और 2 कॉमन लिया तो 2 से हम दोनों को डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। चलिए ये ब्रैकेट एक जगह आ जाएगा तो y माइनस का 3, और इससे इसको करेंगे तो y माइनस का 2 और इक्वल टू मैं 0। अब यहाँ पे जेड पी आर लगा देंगे, क्या है जेड पी आर, तो 0 प्रोडक्ट रूल। चलिए दोनों को इक्वल टू हम 0 रखेंगे तो आ जाएगा y माइनस का 3 इक्वल टू 0, और दूसरे का रखेंगे तो y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास 3 निकल जाएगी, और यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास 2 निकल जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आई, डन है। चलिए अगर आपने y की वैल्यू निकाल ली है तो आप x की भी वैल्यू निकाल सकते हो इजीली। चलिए यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हमें पता है x अपॉन में x प्लस का 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे बोल दोगे इसको फर्स्ट इक्वेशन के नेम कर देना, ठीक है, और यहाँ पे बोल दोगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इस तरीके से कर दोगे इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पहले हमारे दो वैल्यू निकले, एक 3 है और एक 2 है, पहले 3 पुट करेंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, इससे इसको करेंगे तो x, इससे इसको करेंगे तो आ जाएगा 3x प्लस का 3, ठीक है। इसको अंदर ले आया तो आ जाएगा x माइनस का 3x और इज इक्वल टू में 3, यहाँ पे माइनस का 2x इज इक्वल टू 3, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगा -3/2, है ना। वैसे -2 नीचे रहेगा लेकिन माइनस हमेशा ऊपर लिखते हैं। तो एक तो वैल्यू यहाँ से आ चुकी है, अब सेकेंड वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू एक बार 3 ले लिया, y की वैल्यू हमें 2 लेना है, सेम काम करना है यहाँ पे, तो x अपॉन में x प्लस 1 को किसके इक्वल रख देंगे, आपकी बार 2 के इक्वल, और यहाँ से एक और वैल्यू आ जाएगी, तो इससे इसको करेंगे तो x आ जाएगा, इससे इसको करेंगे तो 2x प्लस का 2 आ जाएगा, ना 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको अंदर ले आएंगे तो माइनस का x बचेगा, माइनस हो जाएगा -1x,
और आ जाएगा टू। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस तो उस साइड ही रखते हैं हमेशा, या फिर माइनस वन से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस का टू। सो बेसिकली हमें एक्स की वैल्यू निकालना था, बेसिकली हमें सॉल्यूशन सेट निकालना था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट इस तरीके से लगा देंगे कर्ली वाले, और माइनस थ्री बाई टू और कॉमा लगाकर माइनस टू लिख देंगे। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर है, इतनी बात डन है। चलिए ये था आपके पास एग्जाम्पल नंबर 9, फटाफट नोट डाउन कीजिए। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है। तो अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 10, देखिए अगेन सिमिलर कॉन्सेप्ट टू एग्जाम्पल नंबर 9 है आपके पास। देखिए यहाँ पे भी कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा। हम क्या करेंगे, जो वैल्यू सेम दिख रही है दो जगह उसको आपको सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत है, मतलब आपको यहाँ पे लेट करने की जरूरत पड़ेगी 2x-1 को क्या y, है ना, सिमिलर टू एग्जाम्पल नंबर 9। तो ये आ जाएगा 3, इसके जगह पे y लेट किया तो y, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, बीच में प्लस का है 4 है तो 4, और इसके जगह पे y लेट किया और माइनस का 4 इक्वल टू में 0। आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो चलिए इसको और इसको अगर मैं करता हूँ क्या आ जाएगा, 3 और 4 माइनस का 12, राइट। माइनस का 12 को अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो 6 और 2 ले लूँ, प्लस माइनस करने पे ये आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो ये आ जाएगा 3y का स्क्वायर प्लस का 6y और माइनस का 2y और माइनस का 4 इक्वल टू में 0। यहाँ से कॉमन ले लीजिए 3y, यहाँ 1y बचेगा और यहाँ पे 2 बच जाएगा, बीच में माइनस का 2 कॉमन ले लीजिए, माइनस दोनों से हट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा वाई प्लस का 2 आ जाएगा इक्वल टू में 0। ये सेम है तो वाई प्लस का 2 ले लेंगे और इसको इसको एक जगह लिखेंगे 3y माइनस का 2 इक्वल टू में 0। अकॉर्डिंग टू ZPR जीरो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो ये भी इक्वल टू 0 और ये भी इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से आ जाएगा y की वैल्यू माइनस का 2 और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2/3। y के दो वैल्यू आ गए, यहाँ पे पुट कीजिए, है ना। अगेन यहाँ पे इक्वेशन 1, यहाँ पे बोलेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट। ये आ जाएगा 2x-y इज इक्वल टू, पहले माइनस का 2 ले लेता हूँ, सॉरी यहाँ पे क्या था आपके पास 2x-1 और y के प्लेस पे माइनस का 2 ले लिया। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो 2x-1 उधर जाएगा, माइनस 2 प्लस का 1 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू -1 और x की वैल्यू -1/2। सेकेंडली क्या आपके पास 2x-1, अब की बार y की वैल्यू 2/3 ले लेते हैं, ये आ जाएगा 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे 1 इससे करेंगे तो आ जाएगा 3×2=6x, माइनस का 3 और 1 से करेंगे तो 2, ये आ जाएगा 6x=-3 उधर जाएगा तो प्लस का 5 बना देगा, है ना, 2 और प्लस का 3 तो प्लस 5 हो जाएगा, x की वैल्यू 5/6। तो आपके पास दो वैल्यू आ गए x की, एक है आपके पास -1/2 और दूसरा आपके पास 5/6। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। क्या इतनी बात समझ में आ गई, डन है। कुछ भी डाउट आता है तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपका डाउट छोड़ देना। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए, अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है। तो अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 11, देखिए एग्जाम्पल नंबर 11 के आपके पास तीन पार्ट है ना, 1, 2, 3, मतलब आप कह सकते हो कि 11 जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो एक क्वेश्चन नहीं तीन क्वेश्चन है, और वो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। देखिए ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा एग्जाम्पल दिया हुआ है थोड़ा सा, देखिए देखते ही बच्चे डर जाते हैं इस टाइप के एग्जाम्पल। और सबसे पहले इधर जो दिया रहता है उसको आपको कभी भी सोचना ही नहीं इनके बारे में कुछ, ठीक है। लेकिन हाँ, ए और बी की वैल्यू जो है वो एक्स जो है कभी भी ए और बी निकाल कर नहीं देगा। रीजन ये सिंपल होता है, नीचे देख लिया कीजिए कि नीचे अगर 0 आ रहा होगा x की उस वैल्यू पे तो वो वैल्यू डिफाइन नहीं होता x की, राइट। जैसे x के अगर मैं b रख देता हूँ तो b-b 0 हो जाएगा, नीचे 0 तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो x की वैल्यू कभी b नहीं हो सकता, राइट। तो x जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा x की वैल्यू a भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे a रखते ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और यही रीजन है कि ये कंडीशन आपको गिवन होते हैं। अब बात आती है इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एक तो सिंपल तरीका हमारे पास, और तरीका सिंपल यही है कि दोनों का एलसीएम ले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, अपना काम बन जाएगा, नो डाउट बन जाएगा। लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके लिए हम उससे बचने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए एक बार फटाफट। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे उसको या तो आप प्लस वन कर सकते हो या तो माइनस वन कर सकते हो, दोनों में, इसमें इसमें या तो प्लस प्लस वन कर दीजिए या तो माइनस माइनस वन कर दीजिए, फिर सेपरेटली एलसीएम ले लीजिए, सॉल्व करते अपना काम बन जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे कहाँ से लाएं, तो दोनों साइड हम प्लस टू माइनस टू ऐसे कर सकते हैं। तो ध्यान रखना हमारे पास इधर ना जीरो बनाना है, हमें जीरो बनाना है, तो इस टू को मैं अंदर ले आऊंगा, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा ए डिवाइडेड बाय में एक्स माइनस बी प्लस का बी डिवाइडेड बाय में एक्स माइनस ए, और ये आ जाएगा माइनस का टू और इक्वल टू में क्या बच जाएगा आपके पास जीरो बच जाएगा, राइट। अब ये जो टू है माइनस का टू है बेसिकली, इस माइनस टू को मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस वन और माइनस वन। अब ये वाला माइनस वन इसके साथ लिख लेता हूँ, ये वाला माइनस वन इसके साथ लिख लेता हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा ए डिवाइडेड बाय में
एक्स माइनस बी और माइनस वन अलग लिख दिया और बीच में प्लस बी डिवाइडेड बाय मैं एक्स माइनस ए और माइनस वन लिख दिया और इज इक्वल टू में जीरो। देख लीजिए माइनस वन माइनस वन माइनस टू या बी है, यहाँ पे आपके पास माइनस टू था। मैंने आपको लिखने का तरीका बताया किस तरीके से ब्रेक करके लिख रहा हूँ। अगर हमारे पास ये टू नहीं भी होता इक्वल टू में ना, तो मैं किसी ना किसी तरीके से दोनों साइड प्लस टू कर लेता, अरे बस में, या फिर यहीं पे प्लस टू और माइनस टू भी कर लेता ताकि अपना काम बन जाए, वन वन दोनों को मैं दे देता। अब क्योंकि माइनस टू था दोनों को ही मैंने माइनस कर दिया, राइट। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो बना इसका एलसीएम ले लीजिए, यहाँ आ जाएगा आपके पास एक्स माइनस का बी, ठीक है, एक्स माइनस का बी इससे डिवाइड करेंगे कैंसल आउट हो जाएगा, वन बचेगा, वन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आ जाएगा, बीच में माइनस, वन से इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स माइनस बी आएगा और ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सेम चीज आ जाएगी। ध्यान रखना है एक्स माइनस बी आपको ब्रैकेट में लिखना है, बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ पे भी सेम काम कर दीजिए, यहाँ पे आपके पास एक्स माइनस का ए आ जाएगा और इसके बाद हमारे पास इससे डिवाइड करेंगे तो वन आएगा, ऊपर से करेंगे तो बी आ जाएगा, बीच में माइनस, वन से करेंगे तो ये आएगा और ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा और इक्वल टू में आपके पास क्या है जीरो, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा ए, ये माइनस दोनों का साइन चेंज करेगा तो माइनस एक्स और प्लस का बी बना देगा डिवाइडेड बाय में एक्स माइनस का बी, बीच में प्लस, यहाँ पे भी सेम काम है, बी माइनस दोनों का साइन चेंज करेगा माइनस का एक्स और प्लस का ए बना देगा डिवाइडेड बाय में एक्स माइनस का ए और इक्वल टू में जीरो। अगर मैं इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को नोटिस करता हूँ तो दोनों ही सेम है, अच्छे से देख लीजिए, देखिए ए प्लस का है ए प्लस का है, बी प्लस का है बी प्लस का है, एक्स माइनस का है एक्स माइनस का है, मतलब ऊपर वाली जो टर्म है बिल्कुल ही सेम है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन ए प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ से अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ए और बी तो प्लस के थे, एक्स माइनस का था, तो इसको मैंने कॉमन निकाल दिया। अब ये अंदर क्या बचेगा वो देख लीजिए, यहाँ पे वन बचा और डिवाइडेड बाय में एक्स माइनस का बी बचा, अभी इसमें प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, ठीक है। और इसको इसको बाहर निकाल दिया तो वन अपॉन में यहाँ पे क्या बचा एक्स माइनस का ए बचा, इतनी बात समझ में आ गई। और इक्वल टू में जीरो था तो जीरो ले लीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए, अब दो मल्टीप्लीकेशन में आ चुके हैं, इसको सेपरेटली इक्वल टू जीरो और इसको सेपरेटली इक्वल टू जीरो करूंगा, हमारा काम बन जाएगा। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ, क्योंकि इसको इक्वल टू जीरो रखते हैं हमारा आंसर नहीं आएगा, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड ये बना देगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ए प्लस का बी माइनस का एक्स और इसको वापस एलसीएम ले लेता हूँ। तो एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा, ये दोनों हमें नहीं पता एलसीएम, तो आप मल्टीप्लाई में लिख दिया कीजिए, ठीक है, नहीं पता तो इस तरीके से लिख दिया कीजिए। इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस का ये आ जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस, इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा तो ऊपर आ जाएगा तो एक्स माइनस का बी आ जाएगा और इक्वल टू में जीरो है तो जीरो आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, इसके नीचे कुछ नहीं है यही है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे को यहाँ से अगर देखा जाए तो कुछ कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा, इस पूरे को वन से मल्टीप्लाई करेंगे यही चीज़ आ जाएगी, मतलब ए प्लस बी माइनस का एक्स, एक्स एक्स इसको मैं लिख देता हूँ टू एक्स और माइनस का ए और माइनस का बी और इसको जीरो से करेंगे तो आ जाएगा आपके पास जीरो। सो ओवरऑल मेरे पास इतना ही वैल्यू बनी बची है बेसिकली। ये अगर देखा जाए तो यहाँ दोनों ही क्या उस प्रोडक्ट में, यहाँ पे मैं जेड पी आर अप्लाई कर सकता हूँ जीरो प्रोडक्ट रूल और दोनों को ही इक्वल टू जीरो रखकर मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, दैट्स इट। तो इसको मैं अगर मैं इक्वल टू जीरो रखता हूँ इस तरीके से तो माइनस एक्स उधर ले जाता हूँ तो ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स आ गया, एक्स की तो वैल्यू चाहिए थे इक्वल टू में, कोई दिक्कत नहीं, मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ गई ए प्लस का बी, क्या इतनी बात समझ में आ गई, डन है। चलिए यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा टू एक्स माइनस का ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, है ना, तो आ जाएगा टू एक्स इधर रखूंगा, बाकी दोनों को उधर भेजूंगा तो ये भी प्लस का तो दोनों हो जाएगा ए प्लस बी और टू डिवाइड में भेज दूंगा तो एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय में टू। अगर आपको सॉल्यूशन सेट लिखना है तो ब्रैकेट में ये वाली और ये वाली टर्म ब्रैकेट में लिख दीजिए, दैट्स इट सॉल्यूशन सेट, बात समझ में आई, डन है, ठीक है। चलिए तो फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, अब करते हैं हम इसी का ही सेकेंड पार्ट, ठीक है। तब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 11 का सेकेंड पार्ट, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन, देखिए इसमें भी कंडीशन गिवन होंगे, एक्स की वैल्यू ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, नहीं तो नो नॉट डिफाइंड दे देगा, राइट। तो चलिए निकालेंगे तो ए बी सी तो नहीं निकलने वाला है एक्स की वैल्यू, तो इसको सॉल्व करने के लिए अगेन सेम कॉन्सेप्ट, सिमिलर कॉन्सेप्ट टू 11 का फर्स्ट पार्ट, राइट। तो उसमें हमने क्या किया था, इस वाले में और इस वाले में दो टर्म में वेरिएबल वाले टर्म में बेसिकली हमने क्या करा था, वन ऐड करा था या फिर वन सबट्रैक्ट, कुछ भी कर सकते हैं, नो डाउट। उसमें क्योंकि माइनस टू था इसलिए दोनों में माइनस माइनस वन दे दिया, लेकिन इस बार है ही नहीं, ना माइनस टू है ना ही प्लस टू है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा पहले एडिंग टू बोथ साइड, सबसे पहले मैं दोनों साइड ऐड कर दूंगा, मर्जी आप सबट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है, नो डाउट, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यह आ जाएगा ए डिवाइडेड बाय में एक्स माइनस का ए प्लस का बी डिवाइडेड बाय में एक्स माइनस का बी प्लस का टू और इज इक्वल टू में
2c डिवाइडेड बाय में x माइनस का c प्लस का 2। देखिए दोनों साइड अगर मैं 2 ऐड करता हूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन को, जैसा नॉर्मली था पहले ही वैसा ही, क्योंकि 2 से 2 अब ये उड़ जाएगा तो वही बन जाएगा, राइट। चलिए लेकिन इससे अब फायदा क्या हुआ, इसके साथ 1 लिख सकते हैं, इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं 1+1 और एक 1 इसके साथ लिख दूंगा, a डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस का 1 और प्लस में b डिवाइडेड बाय में x माइनस b प्लस का 1 इसके साथ भी लिख सकता हूं, और इज इक्वल टू में इसके साथ एलसीएम ले लीजिए, नो डाउट, ठीक है। तो एलसीएम अगर मैं ले लूंगा, चलो एक ही साथ ले लेंगे तीनों का, चलिए इसका 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 तीनों का एलसीएम ले लीजिए, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो इसके नीचे 1 और वैसे भी इक्वल टू 0 बनाना है तो इस पूरी टर्म को अंदर तो लाना ही लाना है, ठीक है, तभी ले आएंगे, एलसीएम के बाद ले आओ पहले ले आओ कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। चलिए यहां पे एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा मेरे पास x माइनस का ये, इसे डिवाइड करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब 1 तो इनटू ए करेंगे तो ए आ जाएगा, बीच में प्लस है प्लस, 1 से करेंगे ये आ जाएगा तो x माइनस ए आ जाएगा, ये ब्रैकेट बंद, बीच में प्लस, यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा x माइनस का b, यहाँ आ जाएगा b प्लस का x माइनस का b, ठीक है। और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा x माइनस का c, इससे कैंसिल आ जाएगा 2c प्लस का, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा, तो 2c मल्टीप्लाई बाय में आ जाएगा c, इस तरीके से, ठीक है। चलिए यहाँ से a गया b से b गया, मेरे पास बच गया x डिवाइडेड बाय में x माइनस का a, बीच में प्लस बच गया, यहाँ पे x डिवाइडेड बाय में x माइनस का b, और इसको अगर मैं अंदर लाता हूँ ध्यान दीजिएगा क्या आएगा, माइनस लिख लेता हूँ और सारी टर्म लिख देता हूँ, ये 2c और प्लस का 2x, इसको थोड़ा सा देखिए इस वाले को टर्म को मैं कैसे थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूँ, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2c प्लस का 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस का 2c आएगा, और 2c से 2c कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास सिंपली 2x बचेगा, मतलब अंदर जो लाने वाला हूँ मैं पूरी टर्म सिर्फ और सिर्फ 2x बचेगा, राइट 2x बचेगा, 2x में से मैं क्या करता हूँ अंदर ले आया तो 2x डिवाइडेड बाय में x माइनस का c बचेगा, बेसिकली सिंपल इतना ही टर्म बचेगा मेरे पास, ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या किया, 2 से दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2c और यहाँ पे माइनस का 2c था, ये वाला कैंसिल आउट हो गया तो 2x बचा, 2x डिवाइडेड बाय x माइनस c, ये पूरे टर्म को पॉजिटिव मान के चला था और यहाँ पे मैंने माइनस का साइन लगा दिया, और अब इक्वल टू में क्या बच जाएगा हमारे पास 0 बच जाएगा, इतनी बात समझ में आई, डन है इतनी बात। चलिए अब आगे क्या कर सकते हैं हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए इसमें से इन तीनों में x है तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे x, यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग x कॉमन, जैसे मैंने x को कॉमन लिया तो x बाहर आ जाएगा और पूरी ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा, 1 डिवाइडेड बाय x माइनस a, यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन में x प्लस b, 1 अपॉन में x माइनस b सॉरी, और यहाँ पे बच जाएगा आपके पास माइनस का 2, सिर्फ 2 बचेगा x तो बाहर गया, डिवाइडेड बाय x माइनस का c। देखिए दो टर्म आया हुआ है, हम यहाँ पे ZPR लगा सकते हैं, जीरो प्रोडक्ट दोनों को सेपरेटली इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, एक सॉल्यूशन सेट तो x इज इक्वल टू जीरो आएगा, क्योंकि इसको इक्वल टू जीरो रखेंगे x की वैल्यू जीरो, और इसको इक्वल टू जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगा, मेन चीज वही है, ठीक है। तो उससे पहले क्या करता हूँ, अगेन मैं इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा एलसीएम ले लेता हूँ ना तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, राइट, इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह। चलिए तो x को यूं ही छोड़ा मैंने, इसको एलसीएम ले लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस a, x माइनस b और x माइनस c, राइट, x माइनस a, x माइनस b और x माइनस c, इससे डिवाइड करेंगे तो ये दोनों बचेगा, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस का b और x माइनस का c, ठीक है, बीच में प्लस है प्लस, अब की बार x माइनस b कटेगा ये दोनों रहेंगे तो x माइनस का a और x माइनस का c, क्योंकि ऊपर 1 ही था इसीलिए, बीच में माइनस है तो माइनस, अब की बार x माइनस c कटेगा ये दोनों बचेंगे x माइनस a, लेकिन ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 भी रहेगा, इस बात का ध्यान रखना है, तो क्या बचेगा x माइनस c, यहाँ पे बचेगा x माइनस का b, ठीक है। चलिए और इक्वल टू में तो 0 है ही, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब ये वाला नीचे वाला उधर चला जाएगा तो 0 बना लेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही, तो मेरे पास बचा एक x, एक बचा है x माइनस बी, एक्स माइनस सी प्लस में x माइनस ए, x माइनस सी माइनस 2, x माइनस ए और x माइनस का b और इक्वल टू में 0, ये बचा है। अब x इज इक्वल टू 0 तो एक तो सॉल्यूशन सेट तो बन ही चुका है, नो डाउट वो तो बन ही चुका है, अब हमें इसको इक्वल टू 0 रख के यहाँ से x की वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इन सबको पहले तो मल्टीप्लाई कर दूंगा आपस में, और मल्टीप्लाई करने के बाद बहुत सारे शायद टर्म्स कैंसिल आउट भी हो जाए, और कैंसिल आउट होने के बाद वहां से मैं कोशिश करूंगा एक्स की वैल्यू निकालने का, तो यहाँ पे स्पेस चाहिए होगा मुझे थोड़ा सा, तो एक काम कीजिए फटाफट इसको एक बार इस साइड वाला नोट डाउन कर लीजिए ताकि मैं उसको एक बार सॉल्व करके आपको दिखा सकूँ, राइट। प्रोडक्ट रूल लगा दें, वो जीरो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे तो ये वाले टर्म इक्वल टू 0 हो गया तो एक्स की वैल्यू 0 आ गया, अब इस वाले टर्म को इक्वल टू 0 रख के वहाँ पे सॉल्व करके हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए इसको मैं एक बार मिटा दे रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा फटाफट, ठीक है। तो एक बार मैं लिख देता हूँ दोबारा से क्या क्या है, एक्स माइनस बी है और साथ में एक्स माइनस का सी है, फिर बी इसमें प्लस है, फिर एक्स माइनस का ए है,
फिर x माइनस का c है, ठीक है, फिर बीच में माइनस है, सॉरी माइनस का है, फिर 2 है, फिर x माइनस का a है और x माइनस का b है और इक्वल टू में 0 है। मल्टीप्लाई करते हैं और तो क्या कर सकते हैं, x से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यू स्क्वायर माइनस का एक्स सी, फिर माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का बी एक्स और प्लस का बी सी, ठीक है, आगे है बीच में प्लस है, x से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x को करेंगे तो x का स्क्वायर और इससे इसको करेंगे तो माइनस का एक्स सी, फिर माइनस से इसको करेंगे तो माइनस का ए एक्स और इससे इसको करेंगे तो प्लस का ए सी। इतनी बात समझ में आ गई, इस वाले मल्टीप्लीकेशन को यहाँ पे नीचे कर देता हूँ, माइनस का टू यूं ही छोड़ा है और पहले मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा फिर माइनस टू से सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, x से इसको करेंगे तो एक्स बी, फिर सॉरी पहले तो x से x करके करेंगे तो x की स्क्वायर हो गया, फिर x से इसको करेंगे तो माइनस का एक्स बी, फिर माइनस ए से करेंगे तो माइनस का ए एक्स और फिर माइनस ए से करेंगे तो प्लस का ए इंटू में बी और अब है इक्वल टू में जीरो, ठीक है। चलिए आगे है मेरे पास, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स सी माइनस का बी एक्स प्लस का बी सी प्लस का एक्स की स्क्वायर माइनस का एक्स सी माइनस का ए एक्स प्लस का ए सी, कुछ बचना नहीं चाहिए, मतलब छोट गया तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, माइनस टू से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का टू एक्स की स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का टू एक्स बी प्लस का टू बी एक्स लिख देता हूँ, नो डाउट, ठीक है। आगे है माइनस टू से इसको करेंगे तो प्लस का टू ए एक्स और इसे इसको करेंगे तो माइनस का टू ए बी और इक्वल टू में जीरो, यहाँ तक है। अब देखिए क्या है, ये एक्स स्क्वायर टू एक्स की स्क्वायर और माइनस टू एक्स स्क्वायर, तो ये वाले सारे टर्म तो उड़ जाएंगे, इतनी बात ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर टू एक्स की स्क्वायर और टू एक्स स्क्वायर और माइनस टू एक्स स्क्वायर उड़ गया, ठीक है। आगे और चेकआउट करते हैं, क्या और भी कुछ ऐसे टर्म है जो कैंसिल आउट होंगे, सो लेट्स सी, क्या एक्स सी यहाँ पे है, क्या और कहीं पे एक्स सी है, लेकिन ये दोनों ही माइनस के हैं तो ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो इसको मैं एक जगह करता हूँ, इसको और इसको मैं एक जगह कर देता हूँ, है ना, स्फीयर बना देता हूँ, इसमें गोला सर्कल बना देता हूँ, ये आ जाएगा माइनस का टू सी एक्स, एक्स सी या फिर सी एक्स एक ही बात हो, ठीक है, तो इसका इसका काम खत्म। अब बी एक्स और चेक कर लीजिए, और कहीं बी एक्स है क्या, बी एक्स ये रहा, है ना, तो ये वाला और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये बना लेगा मेरे पास प्लस का बी एक्स बना लेगा, ठीक है, तो ये भी गया और ये भी गया, मैं कैंसिल इसलिए करते जा रहा हूँ ताकि बाद में मुझे पता चल जाए क्या बचा है क्या नहीं बचा है, ठीक है। एक है हमारे पास बी सी, और कहीं पे बी सी है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे मैं बी सी लिख लूँगा, ठीक है, तो ये भी गया, ठीक है। अब हमारे पास माइनस का ए एक्स और ये भी है, ए एक्स वाले है, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो प्लस का ए एक्स बचेगा, तो ये भी गया और ये भी गया, तो इधर से सारे टर्म अभी तक हमारे पास जा चुके हैं। अब हमारे पास ए सी, क्या और कहीं पर ए सी है, नहीं है, तो यहाँ पर हम ए सी लिख देंगे, उसके बाद चलो भाई इसका भी काम खत्म हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, अब ये बचा बेचारा, तो माइनस का टू ए बी और इक्वल टू में जीरो, डन है। चलिए अब यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू निकालना, बहुत ज़्यादा आसान है, एक्स वाली टर्म को एक साइड रख दीजिए, बाकी सारे कॉन्स्टेंट टर्म को उधर भेज दीजिए राइट हैंड साइड, तो इसको इधर ही रखूंगा, इसको इधर ही रखूंगा, इसको इधर रखूंगा, बाकी इसको 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 राइट हैंड साइड भेज दूंगा, तो माइनस का टू सी एक्स रखूंगा मैं, प्लस का बी एक्स भी रखूंगा मैं, और प्लस का ए एक्स भी रखूंगा, और बाकी सबको उधर भेजूंगा, तो ये माइनस का था तो प्लस का टू ए बी हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का ए सी हो जाएगा, ये प्लस का बी सी है तो माइनस का बी सी हो जाएगा, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन सब में से एक्स कॉमन ले लेंगे, तो एक्स जैसे मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे माइनस का टू सी बचेगा, प्लस में बी बचेगा और प्लस में ए बचेगा, और इक्वल टू में टू ए बी माइनस का ए सी माइनस का बी सी बचा है। अब x के साथ ये मल्टीप्लाई में तो क्या चला जाएगा आपके पास, डिवाइड में, तो x की जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो आ जाएगी भाई आपके पास 2ab माइनस का ac और माइनस का bc डिवाइडेड बाय में दिस होल वैल्यू माइनस का 2c, तो ऐसे लिख देते a प्लस बी माइनस का 2c, a प्लस का b और माइनस का 2c, ठीक है, पॉजिटिव वाले को पहले लिखते हैं, नेगेटिव वाले को बाद में, और कुछ नहीं, डन है। तो ओवरऑल ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब देख लीजिए x की वैल्यू ना a निकल कर आई है, ना b निकल कर आई है, और ना ही c निकल कर आई है। रीजन, क्योंकि अगर वो निकल कर आता तो नॉट डिफाइंड होता पूरा गिवन इक्वेशन। चीजें समझ में आई, डन है। तो ये हो गया आपके पास एग्जांपल नंबर 11 का सेकेंड पार्ट, अब करेंगे इसी का ही हम थर्ड पार्ट, तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तब हमारे पास 11th एग्जाम्पल का थर्ड पार्ट, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, देखिए कुछ इस तरीके के नज़ारे आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे आपके पास कंडीशंस भी कुछ गिवन है, और वही कंडीशंस गिवन होंगे कि x की वैल्यू क्या नहीं हो सकता है, x की वैल्यू माइनस ही माइनस भी, माइनस ही माइनस भी नहीं होगा, क्योंकि माइनस ही माइनस भी रखते नीचे जीरो आ जाएगा, a की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, b की जीरो नहीं हो सकती, x की वैल्यू भी जीरो नहीं हो सकती, ये कंडीशन आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो चलिए
इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का और क्या ही कर सकते हैं इसमें, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाले जो टर्म है वो इसको मैं इधर ला रहा हूँ। रीजन सिंपल है, वेरिएबल वाले को एक साइड, कॉन्स्टेंट नंबर वाले को एक साइड, सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर। ठीक है, तो इस वाले टर्म को पॉजिटिव है, इधर ले आऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो वन अपॉन में ए प्लस बी प्लस एक्स में से माइनस हो जाएगा वन अपॉन एक्स, क्योंकि उधर पॉजिटिव का था, इधर बच जाएगा ए प्लस बी और वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी। इधर ले लीजिए एलसीएम, ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो ए प्लस बी प्लस एक्स आ जाएगा, और इससे डिवाइड करेंगे, ये कटेगा एक्स बचेगा, ऊपर आ जाएगा एक्स, बीच में माइनस, एक्स कटेगा ये बचेगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ध्यान रखना है ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि ये माइनस साइन सबका साइन भी चेंज करने वाला है। इधर भी एलसीएम ले लीजिए, आ जाएगा ए बी, ये कट जाएगा, बी आ जाएगा ऊपर, बीच में प्लस, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए एक्स यूँ ही रहेगा, माइनस तीनों का साइन चेंज करेगा, माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय में एक्स ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस का एक्स और इज इक्वल टू में बी प्लस ए डिवाइडेड बाय में ए बी। यहाँ पे देखिए एक्स से एक्स उड़ गया, ठीक है, और ये दोनों माइनस किया तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, मेरे पास ए प्लस बी बन जाएगा, दोनों ही पॉजिटिव बन जाएगा क्योंकि माइनस बाहर निकाल दिया। नीचे बच गया एक्स ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस का एक्स और इज इक्वल टू में यहाँ बच गया आपके पास ए प्लस बी हो बी प्लस ए हो, बात एक ही है। ठीक है, ए बी से ए बी को उड़ा दीजिए, मान लीजिए मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आता तब तोड़ ही जाता, या फिर ये इधर है तो ये इधर चला जाएगा तब भी उड़ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, अब मेरे पास यहाँ पे जो बचा है वो पहले लिख देता हूँ, फिर सॉल्व करेंगे। माइनस वन ऊपर बचा है क्योंकि यहाँ से उड़ गया, नीचे बचा है एक्स और ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस एक्स बचा है, और क्या बचा है इज इक्वल टू में वन अपॉन में ए बी बचा है, वन अपॉन में ए बी बचा है। क्या इतनी बात समझ में आ गई, डन है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस पूरे को वन से करेंगे तो यही पूरा आ जाएगा, मतलब एक्स ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस का एक्स आ जाएगा, और इसे इसको करेंगे तो माइनस का ए इंटू में बी आ जाएगा। एक्स से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा ए एक्स प्लस का बी एक्स प्लस का एक्स के स्क्वायर और इज इक्वल टू में माइनस का ए बी है। चलिए एक्स स्क्वायर वाली टर्म को पहले लिख रहा हूँ, प्लस का ए एक्स लिख रहा हूँ, प्लस का बी एक्स लिख रहा हूँ, ये प्लस का इधर आ जाएगा, सॉरी माइनस का इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा और इक्वल टू में जीरो। अब देखिए ये ऑलरेडी जब हमारे पास तीन टर्म होते थे तो उसका मिडल टर्म को स्प्लिट करके हम उसको चार टर्म बनाते थे, ऑलरेडी चार टर्म है, कॉमन जो आता है निकाल दीजिए, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन दिख रहा है एक्स, तो एक्स बाहर निकालिए, यहाँ एक एक्स बचेगा, प्लस का ए बचेगा, बीच में प्लस में, इन दोनों में से कॉमन आएगा तो एक्स प्लस का ए बचेगा इक्वल टू जीरो। ब्रैकेट से मतलब हम सही काम कर रहे हैं, तो एक्स प्लस का ए और यहाँ से एक्स प्लस का बी और इक्वल टू में जीरो। अब यहाँ पे जेड पी आर लगा देंगे, जीरो प्रोडक्ट रूल आ जाएगा, एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे माइनस का ए, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे माइनस का बी, सॉल्यूशन सेट में लिख दीजिए माइनस का ए और माइनस का बी, आंसर। दैट्स इट, 11th एग्जाम्पल फाइनली फिनिश हो चुका है, हमने तीनों पार्ट कर लिए इसके, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 12, देखिए बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, न्यू कॉन्सेप्ट है बेसिकली यहाँ पे आपके पास, जब भी आपके पास स्क्वायर रूट टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन दिखे, सबसे पहले आपका काम होता है स्क्वायर रूट को कैंसिल करो, हटाओ उसको, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है सॉल्व करने में, और आपको कुछ नहीं लिखा रहेगा, जस्ट सॉल्व। ठीक है, सॉल्व करना है इसको, मतलब यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और 100% इस टाइप के जो होते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले रूट को हटाएंगे, रूट को हटाने का इसका सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो आपके पास स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे लिख देंगे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और जैसे हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया, ये बना लेगा रूट के अंडर 2x प्लस का 7 का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाता है, आपको पता है, यहाँ आ जाएगा 2x प्लस का 7 और इज इक्वल टू, यहाँ बच जाएगा आपके पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर, खोल दीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, ये वाला a है ये b है, बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, प्लस में 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई दिस मतलब 4x आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, बस बात खत्म, इसको इधर ले आइए क्योंकि ऑलरेडी सारे वैसे पॉजिटिव के हैं। ठीक है, इसको अंदर लाएंगे माइनस का 2x, इसको अंदर लाएंगे माइनस का 7 इक्वल टू में बच गया आपके पास 0। अब हमारे पास x की स्क्वायर, फिर टर्म x वाले, ये वाले प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 2x बचेगा, ये प्लस माइनस माइनस करेंगे तो माइनस का 3 और इक्वल टू में बच गया 0। देख लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, और क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन ही चुका है तो फिर हमें टेंशन ही क्या है भाई, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा मेरे पास एक्स की स्क्वायर, माइनस 3 आना चाहिए और ये वाला प्लस का 2 आना चाहिए, राइट, तो इसको ले लेते हैं माइनस का 3x और प्लस का x, गलत, ये वाला प्लस का लेते हैं और ये वाला माइनस का लेते हैं ताकि प्लस का 2x आ जाए। ठीक है, हमने स्प्लिट कर दिया,
मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कराओ, कुछ नहीं, एक्स कॉमन ले लिया, एक्स प्लस का 3 आ गया, बीच में माइनस 1 कॉमन लेंगे, यहाँ पे भी एक्स प्लस 3 आ जाएगा, इक्वल टू में 0, ठीक है। ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक्स प्लस 3 एक हो गया, और इसको इसको एक जगह लिख देंगे, एक्स माइनस 1 और इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, कैसे, जेड पी आर से, जीरो प्रोडक्ट रूल से, राइट। चलिए यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 3, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस का 1। आपको हो सकता है ये भ्रमों की आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन जब भी आपके पास स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन आए, वहां पे 2 वैल्यू में से 4 वैल्यू जितने भी निकल कर आए उनमें से जरूरी नहीं सारे करेक्ट हो। रीजन इसका सिंपल होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंडर नेगेटिव वैल्यूज आर नॉट डिफाइंड, ध्यान दीजिएगा, मतलब रूट के अंडर जो नेगेटिव वैल्यूज कभी भी नहीं हो सकता। तो उस केस में हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, जो आपके पास क्वेश्चन गिवन रहेगा उसको हम वेरीफाई करेंगे कि हमारा जो x की वैल्यू आया है, ध्यान दीजिएगा, हमारा जो x की वैल्यू आया है क्या वो दोनों साइड के लिए सही है, क्या वो वेरीफाई कर पा रहा है, LHS इक्वल टू RHS दे पा रहा है या फिर नहीं दे पा रहा है। तो चलिए वेरीफाई करते हैं, x की वैल्यू माइनस 3 ले लेते हैं, तो यहाँ पे पुट करेंगे माइनस का 3, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 प्लस का 7 और स्क्वायर रूट अंडर, ध्यान दीजिएगा, LHS सॉल्व कर रहा हूँ तो इसको सॉल्व करेंगे और रूट के अंडर वन मतलब 1, तो इधर भी पुट कर देंगे x के जगह पे माइनस का 3 और प्लस का 2 RHS, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो x की वैल्यू 3 हम नहीं ले सकते, और इस टाइप के वैल्यू को जो x की वैल्यू पॉसिबल नहीं होता है उसको हम एक्सट्रानियस वैल्यू कहते हैं, एक्सट्रानियस वैल्यू कहेंगे, बात समझ में आई, जो हमारे पास नहीं है। अब 1 पे चेक कर लेते, हो सकता है 1 भी ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा, जनरली सॉल्व किया इसमें से आया तो 1 हो सकता है। 1 अगर चेक करेंगे तो 1 2 मल्टीप्लाई 1 3 हो गया, 3 सॉरी 2 हो गया, सॉरी यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1 और ये 9 आ जाएगा, रूट के अंडर 9 की वैल्यू 3 है ना, और RHS में 1 पुट करेंगे तो 1 और 2 3, सो 3 इज इक्वल टू 3, LHS इक्वल टू RHS, तो आपके पास x की वैल्यू 3 की आपके पास डिफाइंड है, तो इसका सॉल्यूशन सेट बनाओगे क्या बनेगा, 1 बनेगा, ये आपके पास इसका रिजल्ट बन जाएगा। क्या चीज़ें समझ में आ गई, डन है, चलिए तो फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। अब करते हैं हम एग्जांपल नंबर, ये 12 था ना, राइट, ओके, अब करते हैं एग्जांपल नंबर 13, ठीक है। तो अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 13, देखिए बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है आपके पास एग्जांपल 12 का, राइट। तो सबसे पहला काम आपको पता ही है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे हम, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और जैसे मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा इधर का रूट हट जाएगा, तो इधर 2x के स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 21 बचेगा, और इधर बचेगा आपके पास 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, राइट, डन है। आप चाहो तो इसको इस तरीके से दिखा सकते हो, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 2x के स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 21, इधर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर मतलब 9 और माइनस 2ab मतलब 2 3 6 है ना, 2 3 6 2 12x, ठीक है। चलिए आप इसको सॉल्व कर दीजिए, इन सारे टर्म्स को उधर ले जाते हैं क्योंकि इधर लाएंगे तो ये माइनस का बनेगा, तो इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा 4x के स्क्वायर प्लस का 9 और माइनस का 12x में से इनको अंदर ला रहा हूँ तो माइनस का 2x के स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये प्लस का 2x हो जाएगा और ये माइनस का 21 और इक्वल टू में 0 बचेगा, इसको प्लस माइनस कर देंगे तो 2x के स्क्वायर बचेगा, इसको इसको कर देंगे तो माइनस का 10x बचेगा, इसको इसको कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 12 माइनस का 12 बचेगा और इक्वल टू में 0। आप चाहें तो 2 से दोनों साइड डिवाइड करके इसको छोटा कर सकते हैं ताकि फैक्टराइजेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, बड़ी डिजिट ना आए, राइट। 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, सबके नीचे 2 जाएगा, इसके 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 नीचे ये बना लेगा माइनस का 5x और ये आ जाएगा माइनस का 6 और इक्वल टू में 0 अपॉन समथिंग 0। चलिए अब इसको सॉल्व कर देंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, क्या ले लें हम, ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का x ले लें, है ना, और माइनस का 6 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x माइनस का 6 प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, x माइनस का 6 इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा x माइनस का 6, इसको इसको ले लेंगे तो x प्लस का 1, मिडिल टर्म कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए दोनों को जेड पी आर लगा देंगे यहाँ पे, 0 प्रोडक्ट रूल, ये आ जाएगा आपके पास x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकाला 6, यहाँ से x की वैल्यू निकाला माइनस का 1, यहाँ तक बात क्लियर है, डन है। अब ये x की वैल्यू दोनों सही है या नहीं वो आपको वेरीफाई करने पे पता चलेगा, तो एक बार यहाँ पे 6 पुट कर लीजिए दोनों साइड, ठीक है, अगर दोनों इक्वल आ गए तो हाँ भाई सही है, 6 वैल्यू हो जाएगी, उसको हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे, फिर आपको माइनस 1 पे चेक करना है, माइनस 1 पुट करके चेक कर लीजिए बोल सही है यानी LHS इक्वल टू RHS, तो वो वैल्यू ले लेना है, अदरवाइज दोनों में से कोई ना कोई शायद एक रिजेक्ट जरूर होगा, क्यों, कोई ना कोई एक ऐसा वैल्यू होगा जो एक्सट्रानियस सॉल्यूशन होगा। इतनी बात समझ में आ गई,
डन है। तो ये हो गया हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 13। अब चलते हैं एग्जाम्पल 14 के पास, जो कि हमारा लास्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए। अगर आप यहाँ से जहाँ पे भी रहते हो, अगर वहाँ से मुंबई जाने का रास्ता अगर आपको पता है, तो आपको मुंबई से वापस जहाँ पे आप रहते तो वहाँ पे आने का रास्ता जरूर पता होना चाहिए, वरना आप खो जाओगे, राइट। तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए अगर आपने किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आपने उसका सॉल्यूशन सेट निकाल दिया, तो अगर मैंने आपको सॉल्यूशन सेट दे दिया तो अगर आपको जब तक उससे वापस बनाना नहीं आएगा वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब तक मजा नहीं आएगा। तो चलिए आज हम वही काम करने जा रहे हैं, राइट। तो हमने एक सॉल्यूशन सेट लिया हुआ दिया हुआ बेसिकली एग्जांपल 14 में, हमें हमसे पूछ रहा है बताओ ये सॉल्यूशन सेट कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनाने की जरूरत है। तो सबसे पहले हमें ये चीज जानना है कि सॉल्यूशन सेट का मतलब क्या है। सॉल्यूशन सेट का मतलब तो स्टार्टिंग से कहते हैं एक्स की वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की जो वैल्यू निकल कर आते हैं उसी को हम सॉल्यूशन सेट कहते हैं। तो 100% मैं कह सकता हूँ कि एक्स की वैल्यू एक तो -3 है और दूसरी एक्स की वैल्यू 5 है। बोलिए हाँ या नहीं, इतनी बात समझ में आ गई। इसको अंदर लाएंगे तो x प्लस का 3 बन जाएगा और इक्वल टू में 0 बचेगा, इसको अंदर लाएंगे तो x माइनस का 5 बनेगा और इक्वल टू में 0 बनेगा, राइट। अब देखिए जीरो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से अगर ऐसा होता तो हम इसको सेपरेटली इक्वल टू 0 रखते हैं, और अगर सेपरेटली इक्वल टू 0 है तो इसको मैं कंबाइन कर सकता हूँ, मतलब x प्लस 3 और x माइनस 5 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। बोलिए हाँ या नहीं, एक तरीके से हम उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं। देखिए अगर मैं ये डायरेक्टली वैल्यू निकल गया, ये कब आता है, उससे पहले ऐसे लिखते थे, उससे पहले ऐसे लिखा हुआ रहता था, उससे पहले चार टर्म होते थे, उससे पहले कॉमन लिया होता, उस तरीके से हम उल्टा प्रोसेस लेकर चल रहे हैं, ठीक है। उल्टा करेंगे और वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख दोगे रिवर्स ऑफ ZPR, जीरो प्रोडक्ट रूल का क्या कर दिया, रिवर्स कर लिया, उल्टा कर दिया हमने। चलिए एक्स को दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा एक्स के स्क्वायर, एक्स इसको करेंगे माइनस का 5x, 3 से इसको करेंगे प्लस का 3x, 3 से इसको करेंगे माइनस का 15 इक्वल टू बाई 0। ये आगे x का स्क्वायर, देखिए चार टर्म होंगे, प्लस माइनस माइनस कर दीजिए, माइनस का 2x और ये माइनस का 15 इक्वल टू में 0, और बस यही आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मतलब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बस समझ में आ रहा है। यही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको मैंने सॉल्व किया मिडिल टर्म से, फैक्टराइजेशन मेथड से, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू ये दोनों आए थे, मतलब सॉल्यूशन सेट आया था, बस समझ में आई। हमेशा आपको रिवर्स प्रोसेस को फॉलो करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी निकाल देना है। अब बात आती है इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में सिर्फ एक ही गिवन है, तो हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो आपका काम क्या है, जितने भी आपके पास एक्सरसाइज में एग्जाम्पल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे जिसका आपने सॉल्यूशन सेट निकाला है, अब आपको सॉल्यूशन सेट पहले से पता है, उसी सॉल्यूशन सेट से आप रिवर्स प्रोसेस करते चले जाइए और वही वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल दीजिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको भी मजा आ जाएगा। और ये था आपके पास एग्जांपल नंबर 14, बोले तो लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस एक्सरसाइज 5, राइट। नाउ वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो बेसिकली एक्सरसाइज 5A एंड और तो क्या ही बोला जाए। तो यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों का काम क्या है, आप लोगों का काम है बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करते रहना है, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।